हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेसन फूड। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक पेपर चिकन ग्रेवी की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है मसालों को। तो उसके लिए यहाँ 1.5 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है और 1.5 चम्मच ही ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च। ये 4 लौंग लिए हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का और ये 5 सूखी लाल मिर्च है और 3 हरी इलायची है। तो इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें भूनेंगे। ये देखिए गाइस, मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब गाइस हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, मसाला मैंने पीस लिया, ऐसे पाउडर बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये 2 किलो चिकन है, उसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन हम बेसिक ही रखेंगे। तो 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और ये रेडीमेड पाउडर है गाइस, जो हमने अभी बनाया वो नहीं है। और 1 छोटी कटोरी सोया सॉस की डाल लेंगे। बस गाइस, अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। ये देखिए गाइस, मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे ढक के 20 मिनट के लिए रख दूंगी। तो गाइस अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए कुकर में मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप कुकर कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं। तो ये 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल लिया है मैंने। आप जो भी ऑयल खाते हो, जिस भी ऑयल में बनाना चाहे बना सकते हैं। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है गाइस, तो अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डालूंगी। हींग ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। एक तेज पत्ता डालूंगी, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे गाइस। तो ये 8 से 10 छोटे प्याज हैं, इनको लंबा लंबा काट लिया है। मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे गाइस, तभी जल्दी होगा ये। प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको भी फ्राई कर लेंगे। गाइस अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये 4 टमाटर लिया है मैंने, मिक्स कर लेंगे। अब गाइस हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच नमक डाल लेंगे, आप स्वाद अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम डालें। 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और अब गाइस 4 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस हमारे मसाले चिपक रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डाल रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे फ्राई कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। गाइस अब हम ये चिकन में, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं मैरिनेशन किए हुए, तो अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। चिकन के हिसाब से डालना है गाइस, अगर आपका चिकन कम हो तो आप 2 से 3 चम्मच डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए गाइज, मैंने चिकन में अच्छे से कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गाइज, चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है गाइज, अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे गाइस। चिकन को फ्राई करने के साथ साथ गाइस हमें इसे थोड़ा पका भी लेना है। अब गाइस मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें आलू डालूंगी, जिसको ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया है। तो गाइस, आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे कुकर में ट्रांसफर करेंगे। पहले गाइस हम ग्रेवी में पानी डाल लेंगे, तो यहाँ 2 ग्लास में पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। तो गाइज, अब चिकन डाल लिया है इसमें, अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मिक्स कर दिया है गाइज, अब मैं इसमें जो हमने मसाला पीसा था वो डाल रही हूँ। मैं सारा मसाला डाल रही हूँ, आप अपने जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से डालें, क्वांटिटी के हिसाब से। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब गाइस इसे चाहे तो आप सीटी लगाएं, 7 से 8 सीटी लगेगी इसमें, या तो आप इसे ढक के पका लें। तो पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ब्लैक पेपर चिकन ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार बना के देखिएगा, और कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।